और है आर्ट और इसका आर्टिस्ट बहुत ही खूबसूरत बनाया सच में। पूरा कट गया मेरा और पूरा खून ही खून निकल रहा है। और पीछे वाले जो बैठे हैं ना वो जा बोलते हैं, गांव पर ध्यान मत दीजिएगा। जब भी वीडियो बनाता हूँ ना माता में फॉलो ले लेती है। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब बहुत एक्सेस गर्मी लग रहा है कि नहीं बोलो तो बहुत एक्सेस गर्मी बार बार नहा ले रही हूं पानी से ऐसा लग रहा है। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना, हालत खराब। नहा गया ना तो पसीना पसीना हो गया, पूरा हालत ख़राब होकर रखा हुआ। एक्चुअली हम लोग का घर में कल पूजा भी है और क्या पूजा मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये सारा डिटेल बताइए, बताओ। कल हम लोग के घर पे रुद्र अभिषेक है तो हमारा घर पे कल पूजा होगा, तो आज तैयारी चल रही है, साफ सफाई चल रही है, तो कल पूजा में आप लोग भी ज़रूर आइएगा, रुद्र अभिषेक होगा हमारे घर पे। और अभी एक्चुअली हमारे डिब्रूगढ़ जो चाचू लोग हैं सब लोग भी आ रहे हैं वहाँ से मामा घर से, और थोड़ा अच्छा सा पूजा होगा, बड़ा होगा, रुद्र अभिषेक करके कुछ होता है। मुझे नहीं पता रुद्र अभिषेक किया जाएगा, अरे मुझे उतना नॉलेज नहीं है और क्या, लेकिन है पूजा है बस। और ये बादाम खा रही है सवेरे 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 अपना दिमाग को बढ़ाने के लिए बादाम खाती है, लेकिन इसका दिमाग कितना भी कोशिश कर ले बढ़ता ही नहीं। इतना कोशिश कर रही है बेचारी, इतना कोशिश कर रही है, इसका दिमाग बढ़ ही नहीं रहा, मेरा दिमाग बढ़ जा रहा है और इसका दिमाग कम। मैं मतलब खा रही हूं ना, कुछ भी असर इनके ऊपर कर जाता है ना। नहीं तुम्हारा दिमाग वो मतलब एक दाव होता है ना, जिस हाँ। दाव होता है ना मेरे ऊपर, तो मतलब कुछ मैं खाती हूँ असर मेरे ऊपर नहीं करता, सब इनके ऊपर जाता है, इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं। ऐसा नहीं है, इतना खाते कुछ तो होता नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी खा रहे तुम्हारा दिमाग उस स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से चल रहा है, उस स्पीड से चलता नहीं है, क्यों पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जो है। और दूसरा बात क्या है, एक दाव होता है ना हम लोग का घर में, दाव या कटारी सबके घर में होता है, वो होता रहता है, उसको कितने भी रगड़ो दो दिन साफ होगा फिर वैसे होगा, दो दिन साफ होगा फिर ऐसा ही है किसी का हाल, में नाम नहीं बताऊंगा। तुम्हारा नाम लिया क्या मैंने, तुमको बोला आपका मतलब वही है, मैं तुमको नहीं बोला इसका नाम नहीं लिया हूँ, दाव कटारी को मतलब कितना भी धार के भूतर का भूतर ही रहेगा, मतलब नया का जैसा कहाँ होगा, और हम तो नए बंदे हैं। जिस दिन धार हो जाएगा ना तो वो सुने थे ना, एक पति ने बहुत पढ़ाया अपनी वाइफ को, और एक न्यूज पढ़ा पति ने क्या हुआ, नहीं सुनो ना, पर मैं एक डायलॉग सुना, मतलब कल रात को शायद न्यूज वगैरह था कुछ, तो उसमें क्या दिखा रहा था, उसमें दिखा रहा था ना कि एक पति अपने पत्नी से परेशान होके रात को दाव से ऐसा काट के काट, मतलब पूरा ऐसा काट के और बस्ता में भरा कर फेंक किया गया। एक पत्नी ने ना, एक पति अभी तो बना के बोलेगी, अभी तो बना के बोलेगी, मैंने भी रात को जब मैंने मोबाइल देख रही थी ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे आया था कि एक पति के लाचार, मतलब पति के इतने सारे जुल्म से सहती 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 एक लाचार बेबस क्या की, ऐसा की ऐसे ही पता बना ही नहीं पाए चल रहा हूँ, बना ही नहीं पाए, लो लोगे तो मैं चल रहा हूँ, अभी मेरा बहुत सारा काम है तो निकल रहा हूँ, अभी थोड़ा जाऊंगा काम देख के आता हूँ फटाफट से, और इसका लो लोगे ज्यादा गर्मी है, बहुत एक्सेस है, बहुत ही खतरनाक, लेकिन काम है थोड़ा सा, पास में जाना है तो प्रॉपर पैदल ही जाके आता हूँ, 2 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत एक्सेस गर्मी आज की गर्मी जान लेने वाला है, बहुत ही खतरनाक फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, एकदम हालत ख़राब हो गया मेरा तो, अभी ऐसे काम से बाहर एकदम हालत ख़राब हो गया, गर्मी से पूरा गर्मी लग गया, बहुत ज़्यादा गर्मी आज, गर्मी में इतना हालत ख़राब करके रखने वाला है सबका। और इधर है दादी, कोशिश कर रही है, क्या करता इतने से चावल के खाई, इतने चावल के खाई के खाई खाए, जब भी वीडियो बनाता हूँ ना माता में फॉलो ले लेती है। बना रही हो मेरे लिए? थोड़ा हालत खराब हो गया मेरा, गर्मी से एकदम पूरा पसीना पसीना हो गया, और शरबत बना रही है अभी, तो शरबत पी लेता हूँ, बहुत ठंडक मिलेगा क्योंकि हालत एकदम सच में गर्मी जो है ना, गर्मी मतलब अगर काम ना हो तो बाहर नहीं जाना ही सही रहेगा, घर में भी तो गर्मी लग रहा है, नहीं घर में थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है, लेकिन बाहर जो गर्मी है ना डायरेक्ट सन पड़ रहा है मतलब शरीर पे और फेस पे एकदम, मतलब हालत ख़राब हो जा रहा है, और कुछ कुछ काम करना पड़ रहा है बाहर में तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मतलब हालत ख़राब हो गया गर्मी से। अमृत लग रहा है सच में, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शरीर को इतना ज़्यादा ठंडक दे रहा है ना शरबत, इस गर्मी में सबसे बेस्ट है नींबू का शरबत, तो नींबू का जितना हो सके उतना
आप लोग अगर सकते हो तो अपना नींबू का शरबत पियो। नींबू का रस का शरबत बहुत काम करने वाला है गर्मी में, तो नींबू का शरबत बनाइए। नहीं अभी चली गई उधर, लेकिन उसको बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मतलब पी के, बहुत अच्छा लगा, एकदम ठंडक मिल गया पूरा सर। इधर एक गर्मी इतना है और इधर पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही हो, क्या कटा पिटा सब इधर उधर पता नहीं क्या बना रही हो, क्या बना रही हो बताओ। फ्लावर बना रही हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रही हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत सारा चीज़ बनाया है, ये सब और ये सब सारा इसका ही बनाया हुआ है, और इधर भी सारा चीज़ें बनाई के बना के रखी हुई है, इधर भी सारा चीज़ बनाई हुई है। हाँ अभी दिखाया तो, हाँ दिखाया तो सारा चीज़ें बनाती रहती है दिन भर, ये सब करती रहती है आर्ट एंड क्राफ्ट का काम। इसको अपने काम से जो फुर्सत मिलता है तो ये सब बनाती है, ऐसी जो चीज़ बना के रखी है पूरा रूम में लगाई है, और अभी भी वही इसका काम चालू है बनाने का, पता नहीं कैसा फूल बनाएगी क्या बनाएगी, तो पूरा बनाने के बाद कंप्लीट होने के बाद यस सबको दिखाना, ठीक है ओके। तो कंप्लीट हो जाएगा तो आप सबको दिखाते क्या बनाएंगे। और ये बना दिया इसने, देखिए बहुत ही सुंदर। और इधर हमारे दादाजी हैं, इधर दादाजी का फोटो लगा हुआ है, और यहाँ पे बना के लगा दी है, खूबसूरत है। और इधर भी एक बनाई है, ये भी एक लगा हुआ है, और ये दादाजी का सर्टिफिकेट मिला था बहुत दिन पहले, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये है। और उठना चाहती देखिए, देखिए बहुत मेहनत कर रही है उठने का, ये देखिए आ जा। सब लोग आ गए हैं, तो मामी लोग आ गए हैं, पहले मामी को लेके आता हूँ, क्योंकि मामी चल नहीं पाती, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है चलने में, तो उसके बाद फिर जाऊंगा। चाचू भी आ गए हैं डिमो में, तो पहले मामी लोग को लेके आता हूँ, फिर चाचू को लेने जाऊंगा, तो पहले लेके आता हूँ, बराबर से देर हो गए, सब आके वेट कर रहे थे, बड़ा जाता हूँ लेके। मैं मामी को छोड़ के आ गया, मामी आ गए, और ये दोनों देखिए पैदल पैदल आ रहा है, ये दोनों को पैदल चलवाया, देखा पैदल चल रहा है, दिखा दो, ये दोनों को पैदल चलवा दिया मैंने, और मामी को छोड़ के आ गया घर पे, और अभी जाऊंगा फिर चाचू को लाने के लिए। तुम लोग पैदल पैदल आओ बाबू लोग, सावन में हमें क्या होता है ना, दाढ़ी वगैरह कटाते नहीं है, मैं भी तो नहीं कटाता, जो दाढ़ी है पूरा आँख के पास तक पहुँच जाता है, मैं भी तो नहीं, मतलब जैसे पहले क्या जो बनमानस लोग रहता था ना, उस हिसाब से लोग दिखने लगता है। अच्छा ऐसा बात, तो ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप ऐसा दिख रहे हो, मतलब सेम तुम्हारे जैसे लग रहे हैं। तुम लोग का घर में जितना भी पंडित रुद्रादित्य चढ़ाने के लिए आएंगे ना, एक का भी दाढ़ी नहीं था, नहीं था उनका, सब कटा लिए हैं, कोई ऐसा बोला, सावन को वो नहीं कर रहे ना, बड़ा नहीं रहे ना, बोला जस्ट पूजा करा रहे हैं, और जो बॉलरूम जाते ना वो लोग दाढ़ी को मतलब वो करना पड़ता है, नहीं कटाना होता है। अच्छा पूरा मतलब दो महीना सावन, दो महीना पूरा नहीं कटाना। कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है, हाँ क्या बोले आप, सुना ही नहीं दिया हमको, कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ बताइए, दाढ़ी नहीं कटाना चाहिए, ये हम लोग शास्त्र में लिखा हुआ नहीं, हम लोग खुद से मानते हैं, जबरदस्ती मानते हैं, जबरदस्ती। तो फ्रेंड्स ऐसे ही निकल चुके हैं, और ज्ञान का बात मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा इस विषय पे, इस विषय पर टिप्पणी करना मेरा सही नहीं होगा, और हम पीछे जो बैठे हैं ना वो जा बोलते हैं, गांव पर ध्यान मत दीजिएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं, गुल्लू जा को बराबर से लेके आएंगे, बहुत देर से रुके हुए हैं, चलो देखो जूम करके दिखा देना, एक्चुअली बहुत ऐसे रुके हुए हैं, चाचू तो बराबर से जाके लेके आते हैं, और बाजार भी करना है, थोड़ा बहुत सामान भी खरीदना है, तो खरीद लेंगे, और उनको भी बराबर से लेके आएंगे। बाजार में सामान लेना है यहाँ पे, तो लेंगे, इधर पूरा बाजार ही बाजार देख सकते हैं, तो जा रहे हैं सब सामान लेंगे फटाफट से, जो सामान ले रहे हैं चाचू सारा सामान ले रहे हैं इधर, और उधर निखिल और चाचू ले रहे हैं, और इधर चाचू ले रहे हैं सारा सामान बोल बोल के। पहले हम लोग का यहाँ पे बाजार हो गया, और चाचू भी आ गए इधर, और अब चल रहे हैं हम लोग चलेंगे घर फटाफट से, देर हो रहा है, शाम रात हो गया एक्चुअली, 8 बजने को आया, कल जैसे आप लोगों को पता है मैं वीडियो में बताया था, कल हम लोग का घर में पूजा है, तो इधर देखिए निखिल भैया कुछ कुछ बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, मुझको तो नहीं समझ आ रहा है, पहले ऊपर का बनाएंगे ना, ये भी लगे भी है, पहले चरण नहीं बनाएंगे, ऊपर का
से तैयार हो गया। देखिए शिवलिंग क्या सुंदर, और इधर सांप है भगवान जी का, और इधर शिवलिंग, और इधर नंदी जी भी तैयार हो गया। देखिए कितना, और यह आर्ट और इसका आर्टिस्ट बहुत ही खूबसूरत बनाया है, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए क्या सुंदर बनाया, बहुत ही खूबसूरत, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए नंदी जी बनाए हैं, मिट्टी का सारा चीज़ बना हुआ है, और इधर साथ साथ भगवान के पास, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू, वेलकम फॉर ब्यूटीफुल भगवान जी एंड नंदी जी। और ये क्या लिख रहे हो? बेलपत्र पे 125 बेलपत्र पे राम राम राम, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स फाइनली इसी किले में बैठा था और फाइनली कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था यहाँ पे मंदिर के अंदर, लेकिन बन रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, इसलिए मैं बैठा हुआ था। तो फाइनली बन चुका है, मैं जा रहा हूँ बाहर क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स ये देखिए हम लोगों ने रेडी किया इधर, बहुत ही खूबसूरत फूल वगैरह लगा के बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये लगाने के चक्कर में मेरा क्या होगा आप लोग दिखाता हूँ। देखिए पूरा कट गया, पूरा ब्लीडिंग हो गया, इधर ब्लड निकल गया, पूरा कट गया, पूरा इधर ऊपर भी नीचे भी पूरा कट गया मेरा, ऊपर खून ही खून निकल रहा है। तो ऐसा हाल हो गया मेरे साथ, और फिर इस पे चढ़ा हुआ था मैं, एक्चुअली पूरा टूट गया और मेरा पाँव पूरा कट गया। फ्रेंड्स फाइनली अब सोने चल रहे हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग इधर काम वगैरह करते करते थोड़ा लेट हो गया, और उसका भी सारा काम खत्म कर गया इधर, सारा काम खत्म हो गया। तुम्हारा कल का तैयारी सब कुछ हो गया? सब हो गया, काम कम्प्लीट, और रात बहुत ज़्यादा हो गया है, रात अभी रात बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका भी काम जल्दी उठना है। मैं डर रही, मैंने सोई रह गई तो सबसे ज्यादा मैं डांट सुनूंगी सबसे। क्यों? अगर मैं सोई रह गई तो? सोई क्यों रहेगी, 6 बजे तक उठने से होगा, 9 बजे के बाद बाप पंडित आएंगे। आई नो, लेकिन मुझे खासकर बोला गया है तुम जल्दी उठ के जल्दी कर लेना। ठीक है जल्दी मैं उठा दूंगा, मुझे पता तुम्हें जल्दी उठा दूंगा। बोले बाबा आप मुझे जल्दी उठा दीजिए, इसको मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास नहीं कि मैं जल्दी उठा सकता हूँ, थोड़ा विश्वास नहीं करती है। तो फाइनली फ्रेंड्स इसका भी काम खत्म, और मेरा भी उधर जितना काम था सब कुछ खत्म हो चुका है, और चलते हैं सोने के लिए क्योंकि 11 बजे के पार हो गया है और सुबह पूजा हम लोग का घर में, तो लेट हो जाएगा। तो प्रॉपर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठना भी है। तो आज का ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको रोज आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं फिर से कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, और कल घर में पूजा है तो एक नया ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही सुंदर ब्लॉग देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। सच्ची बच्ची चुप रहे, चाह दो ले अभी, देख ले कुछ खा के बना होता नहीं। हाँ वही बोलने वाला था मैं भी, ताबुल खाने को तो मंदिर में घुस गई पड़ा और उम्र छू दे। क्या हुआ एकदम, क्या हुआ है बताओ, मोबाइल में गए निकल गए, बनमानुस बनमानुस हो गए निकल गए, खुद अपना मुँह से बोल रहे हैं।